बीते दिनों सुकमा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए आगरा वासियों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुकमा में हुए नक्सलाइट हमले और लगातार देश पर हो रहे आतंकवादी हमलों के विरोध में आज आगरा के जितने भी समस्त नागरिक वासी हैं, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, जितनी भी एसोसिएशन है, उन्होंने एक सामूहिक रूप से कैंडल मार्च का आयोजन किया है, जिसमें हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो इस देश पे अपनी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उनके परिवार को हमारे आगरा वासियों की तरफ से बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि और शांति धारण करने के लिए हम परमपिता परमेश्वर से इस बात की अपील कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि हम इस कैंडल मार्च का आयोजन इस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं कि देश प्रेम, देश सेवा, देश भावना के साथ इस देश का युवा इस देश के लिए खड़ा हो, सिर्फ इतना से इस कैंडल मार्च का उद्देश्य था। कैंडल मार्च में आगरा के सभी सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। वहीं इस शांति मार्च में सभी धर्मों के धर्म गुरु भी शामिल हुए। कैंडल मार्च MD जैन कॉलेज से शुरू हुआ और आगरा के MG रोड होते हुए शहीद स्मारक पहुंचा। शहीद स्मारक पर भी सभी लोगों ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी। सबसे प्रमुख बात है शहीदों की मृतात्माओं की शांति के लिए, शायद मुझे लगता है शहीद स्मारक से ज़्यादा उपयुक्त स्थल और स्थान कोई नहीं हो सकता है। और इस समय वर्तमान समय में आवश्यकता है कि हम लोग एक ऐसा दुस्साहसिक हमारी सरकार एक कदम उठाए जिससे कि बार बार के जो हमले हो रहे हैं, जो बार बार की व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो बार बार हम लोगों को एक नाकारा, निकम्मा और शायद नपुंसक समझा जा रहा है, और हमारे देश के शहीद, शायद मुझे लगता है इतनी शायद पिछली सरकार में शायद शहीद ना हुए हों, लेकिन जितने इस बार हो रहे हैं, तो मेरा एक सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस बार वह सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और इसके लिए मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि जैसे एक श्रीलंका में हुआ या अमेरिका ने उठाया, ऐसा दुस्साहसिक कदम एक भारत उठाए और भारत उठा करके एक नक्सल को, निट्टे को, साथ ही में हमारे अंदरूनी तौर पर जो आतंकवाद चल रहा है इसको समाप्त करें। शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेतृत्व क्षमता इस समय विचार कर रही है और वो ये विचार यही कर रही है कि अगर हम कदम उठाएंगे तो उसकी जवाबी प्रक्रिया क्या होगी। तो मेरा एक ही चीज़ है, हम सभी देशवासी लोग हर रूप में, हर तरीके से हम लोग किसी भी आपदा को सहने को तैयार हैं, बशर्ते अगर हमारी सरकार आतंकवाद को खत्म करने को तैयार हो, तत्पर हो, तो हम सभी देशवासी लोग भूखे रह लेंगे, किसी भी तरीके से हम उस चीज से हम निपट लेंगे, लेकिन हमारी सरकार को चाहिए कि वह इस आतंकवाद को समाप्त करें। सरकार से कैसे अपील करना चाहिए? अपील यही है, सबसे प्रमुख बात है कि मेरा प्रधानमंत्री जी से यही है कि हमने जिस नेतृत्व को हमने चुना और जिस नेतृत्व को हमने चाहा, आज आवश्यकता है, जिस समय संपूर्ण विश्व में भारत का डंका बज रहा है, उसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि इस समय उसी नेतृत्व को करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ें और सबसे प्रमुख बात है इस आतंकवाद को खत्म करें। पहले मैं जो हमारा गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज जी का, जैसे हम देश में जब युद्ध के लिए जाते हैं सबसे पहले हम एक नारा लगाते हैं, देश शिवा भर मोए है शुभ कर्मन्ते कबहू ना डरो, ना डरो अरसों जब जाहे लरो, निश्चय करे अपनी जीत करो। जिसने इस देश की जीत के लिए आज जिन्होंने बलिदान दिया है, आज शहीदी दिए हैं सुकमा में, जो हमारे वीर जवान जो शहीद हो गए हैं आज उनकी याद में, और जो हमारे बॉर्डर पर जो हमारे जो शहीद हैं, आज देखो हम हिंदुस्तान में हम अपने घरों में आनंद ले रहे हैं, पर वो हमारे वीर जवान बॉर्डर पर पहरा दे रहे हैं इतनी गर्मी तपती धूप में भी, और आज जो हमारे सुकमा में जो शहीद हुए हैं उनके निमित्त में, उनकी आत्मक कल्याणता शांति के लिए आज जो कैंडल मार्च निकाला गया, शहीद मार्ग पर पहुंचा है, जो जितना भी जो जत्था है गुरुद्वारा गुरु का तल आगरा, हमारे मेन मुखी बाबा प्रीतम सिंह जी उनके नेतृत्व में ये जत्था पहुंचा है, और हम सब परमात्मा की यही अरदास करेंगे जो हमारे वीर जवान जो शहीद हुए हैं उनको परमात्मा अपने चरणों में निवास बख्शे। अभी कुछ समय पहले भी, मतलब मुझे कहना चाहिए कि कुछ घंटे पहले भी एक ताज़ा सूचना आई है कि 7 लोगों की मृत्यु अभी कुछ घंटे पहले भी वहाँ हुई है। ये लगातार से लगातार जो घटनाएं हो रही हैं इनको रोकने के लिए कोई प्रयास होने चाहिए, संभवतः सरकार अपने स्तर पर कर रही होगी, इसके बारे में हम विरोध नहीं करना चाहते। आज का मार्च सिर्फ उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेतु था जो देश पर शहीद हो चुके हैं।